आएगा पहले एटॉमिक का काम कर रहा है ना, क्या लिख लेते हैं। तो बीबी नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द डायनेमिक मास और इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ लैम्डा। तो ये तो बहुत फेमस वो है, बेसिकली व्हेन इट दिस टर्म कम्स, आपका जब भी ये टर्म आपके सामने आती है, डायनामिक और इक्विवेलेंट मास, नॉट ओनली इन केस ऑफ फोटोन्स, कहीं पे भी जब भी ये टर्म आपके सामने आती है, तो ये इक्विवेलेंट मास का मीनिंग क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का मीनिंग होता है मास एनर्जी रिलेशनशिप। वो आइंस्टीन का फॉर्मूला है कि E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, हाँ राइट, विच सेज कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, राइट। और फोटोन के केस में अगर वो कह रहा है तो E क्या रखोगे आप, इसको रखोगे एक्सी बाई लैम्डा, सही है ना, हाँ राइट। तो अब बेसिकली इसके अंदर जो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा एच अपॉन सी लैम्डा, ओह अच्छा राइट। इफ होल ऑफ दैट एनर्जी इज समहाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास, देन व्हाट शुड बी द मास, दैट इज नोन एज डायनामिक और इक्विवेलेंट मास, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, आगे सॉल्व करो। आगे देखते हैं। हाँ, सिंपल है, बस पर्यायवाची शब्द है और क्या कहते हैं, एक पेड़ है उसके ये क्या कह रहा है? पर्यायवाची शब्द मिला दे। कुछ तो कह रहे हैं ना, वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, उसको भी आजकल स्कूल से होमवर्क मिल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, ओके, तो पढ़ाई करे जा करके, सिंपल होमवर्क करे। मटन
नॉइस बहुत हो रही है आपके वो। ठीक है, इसमें और कोई डाउट नहीं है एटॉमिक वालों में। डीपीपी नंबर 1 2 डीपीपी नंबर 3 फुली कंप्लीटेड। हां पूरी कंप्लीटेड। ओके वेरी गुड। तो इसमें तो फिर हम काफी अच्छा पास काम कर पाएंगे, तो एटॉमिक इसी के थ्रू कंप्लीट करके देन वी विल गो फॉर द टेस्ट ऑफ एटॉमिक आल्सो। डीपीपी की पूरी सीरीज है इसकी मेरे पास में है। ऐसे ही करते रहेंगे वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है परफेक्ट है। तो एटॉमिक वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। हां अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट है अपना RDBP2। हाँ हेलो RDBP2। तो ये जो स्टाइशोमेट्री वाला भी आपका पार्ट है ना, ये मैं आज आपको मेजर कॉन्सेप्ट्स उसके करवा देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट डूइंग इट थ्रू DPPs, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो DPPs के थ्रू हो जाएगी। ठीक है चलेगा। हाँ अच्छा एक सेकंड RDBP2 इसमें इसमें 102। ओके मतलब मैं पीछे से जा रही हूँ। हाँ वो ठीक है, तो मैं RDBP2 ओपन कर देता हूँ। RDBP2 मेटालिक सॉलिड क्यों बनेगा? मेटालिक सॉलिड क्यों बनेगा? वन वुड एक्सपेक्ट द एलिमेंट मतलब कार्बन है। सीजियम है ना, और क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से? कार्बन है ना, अरे सीजियम है। सीजियम ओ मुझे लगा कार्ब मतलब हाँ, बिकॉज़ ऑफ सीज लिखे थे मुझे लगा सी एज इन सी प्लूरल सीडिया मारो। थोड़ा मिसकंप्रेहेंशन हो गया। वन वुड एक्सपेक्ट द एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ सीज यानी कार्बन्स मुझे लगा, तो वो थोड़ा मिसलीडिंग हो गया आई थिंक इस वजह से। ठीक है और सॉलिड CH4 इज मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉट कोवेलेंट सॉलिड। बाय कोवेलेंट सॉलिड तो वो होंगे ना। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोवेलेंट सॉलिड तो वो होंगे ना जो ग्रेफाइट और डायमंड टाइप होंगे। अच्छा हाँ, बट मतलब CH4 भी तो मतलब कोवेलेंट होता है, तो कोवेलेंट सॉलिड नहीं हुआ। उसको कहते हैं जहाँ पे सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। CH4 के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स होता है। अच्छा ओके
मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। ओके समझ गए, ठीक है। फिर इसमें और क्या है? अच्छा, और बॉइलिंग में ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, मतलब वो बस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं ना? बॉइलिंग का मतलब हुआ किसी भी चीज के दो मॉलिक्यूल पर मेल्टिंग, मतलब 76 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब मेल्टिंग में वो ब्रेक हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, पर बॉइलिंग में नहीं होता, ऐसा क्यों? व्हिच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉइलिंग में नहीं, तो इसके अंदर क्या डाउट है आपका 76 में? मेरा ये डाउट है कि मतलब मेल्टिंग में क्यों मतलब वो हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और बॉइलिंग में क्यों नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है इनके, आप कभी भी किसी भी चीज को, मैंने आपको बताया था ना, बॉइल करते हो या मेल्ट करते हो किसी भी चीज को, तो उसका मीनिंग क्या होता है? बॉइलिंग या मेल्टिंग में आप दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात कर रहे होते हो ना, तो इसमें पर आंसर तो मेल्टिंग दिया हुआ है कि मेल्टिंग ऐसा ही होता है। नहीं है, आप किसी भी चीज को मेल्ट या बॉइल अगर कर रहे हो मान लो, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उसके बीच के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसको ब्रेक कर रहे हो। अग्रीड? हाँ ठीक है। राइट, एंड यू आर नॉट ब्रेकिंग फोर्सेस विद इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को ब्रेक नहीं कर रहे हो। हाँ, तो अभी सी आंसर दिया हुआ है उसका, बिकॉज जो SiO2 होता है, जो सिलिका शीट्स होती है, उसके बीच में सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स ही होता है ना। हाँ, अच्छा है ना? नहीं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अरे आपके पास में बाकी के जो तीन ऑप्शंस उसने लिए हुए हैं, H2S, KCN एंड CF4, ये आप पहले कौन से हैं ये अलग अलग देखो ना। H2S मॉलिक्यूलर सॉलिड है, KCN आयनिक सॉलिड है, CF4 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, SiO2 आपका कोवेलेंट सॉलिड है, सिलिका है ना इसकी, तो जब वहां पे हर जगह कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसी को तो ब्रेक करोगे। ओके ओके समझ गए, ठीक है आगे बढ़ो। हाइड्रोजन क्लोराइड इज लिक्विड अनलाइक अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सोचना चाहिए। हाँ, तो आंसर में मिस्टेक है, ये ऑप्शन आएगा। हाँ ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो सही है, ठीक है। फिर और इसमें लिखा हुआ था 35, 35th वाला,
1s1s बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ऐसा क्यों? 1s1s बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है तो 2p2p क्यों नहीं? देखो चेक करता हूं, क्वेश्चन देखना था। देखो पहले तो 49th में करेक्शन था ना, और कौन से क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं? विच क्वेश्चन नंबर? 35। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल? हाँ सही तो है, 1s1s। रीजन क्या होता है बताता हूँ लोगों को, व्हाइट बोर्ड पे कर गया। ये वन एस वन एस, फिर आएगा आपका टू पी, फिर आ जाएगा आपका टू एस टू एस। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, पर मतलब रीजन क्या है? रीजन क्या है मतलब ध्यान से देखो ना, सामने दिखाई देगा तुम्हें, ध्यान से देखो। अरे पीपी ओवरलैप इज बेटर देन एसएस ओवरलैप गिवन चॉइस की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम रहना चाहिए। आप 1s1s को कंपेयर करोगे तो 1s1s से ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा ना, साइज छोटा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर होगी। ओके पीपी इज ग्रेटर देन एसएस बट सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नॉट ऑन डिफरेंट। ओपन स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू वॉटर ड्यू टू इट फ्लोट्स एंड ऑक्यूपाइज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल में भी होता है। सॉलिड स्टेट ऑफ आइस, इसमें एक्चुअली वो ऑप्शन दिया ही नहीं, केज लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए था इसका आंसर, उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, बट द नियरेस्ट आंसर इज H bonding low density। Okay. Nearest answer बताया हुआ है इसने, जो proper option था वो तो available ही नहीं करवाया। बाकी solid state of ice तो ठीक है, it's low density, density कम कब होती है जब volume ज्यादा होता है, तो open structure of ice तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का एक, एक्चुअली होता ये है आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का एक केज क्रिएट हो जाता है, और वो जो केज होता है उसकी वजह से उसके बीच में वेकेंट स्पेसेस क्रिएट होते हैं, और वो जो वेकेंट स्पेसेस क्रिएट होते हैं उसकी वजह से आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और मतलब एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है, आइस एज एन ओपन स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू वाटर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है उसका, बट ड्यू टू विच इट फ्लोट्स ऑन। अच्छा तो इसका आंसर लो डेंसिटी आएगा बेसिकली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका होता यह है कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, इस वजह से वो फ्लोट करेगा। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, ओके हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है? 81।
हाँ सीटी वन। कोई डाउट्स? हाँ एक सेकंड मैं खोल रही हूँ। हाँ ट्वेंटी थर्ड इसका क्या आंसर है? मतलब हाँ ये तो लंदन फोर्सेस हमें पढ़ाए भी नहीं गए थे तो इस पे क्वेश्चन आ गया था। अच्छा तो लंदन फोर्सेस तो लंदन में मिलेंगे। ये वेंडरवाल फोर्सेस की एक कैटेगरी है, वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाला जो फोर्स होता है ना वेंडरवाल में, उसका नाम लंदन है। अच्छा जो डाउट मतलब जो गलत गए उसमें जैसे टेंथ वाला था तो उसमें नाम लिखना था तो वो गलत चला गया, दैट वाज लाइक बेसिक मिस्टेक। ठीक है फिर इसमें प्रॉपर्टीज में मतलब फिर अगला जो गलत हुआ था उसमें बस वो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा, ठीक है उसको मैंने टी आर लिख दिया आरटी की बजाय और स्मॉल लेटर्स में लिख दिया तो उसके वजह से नंबर कट गए। ठीक है और बाकी इसके बाद ठीक था। फिर ट्वेल्थ बी एस बी आर टी, फिर ट्वेल्थ थोड़ा समझ में नहीं आया मतलब इसका एक्स सी एफ टू मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 12 रुको। कौन सा क्वेश्चन नंबर बताया आपने? मैंने क्वेश्चन नंबर बताया 12। 12 ओके। एन एक्सियल ऑफ टू मॉलिक्यूल द एंगल बिटवीन टू लोन पेयर्स ऑर्बिटल्स इज अल्फा। ठीक है द एंगल बिटवीन लोन पेयर ऑर्बिटल एंड बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल इज बीटा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलना है? मतलब इसमें जो लोन पेयर्स के बीच में सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में फिर उससे कम और फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर्स में। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है इसमें, क्या इशू है? तो यही मैंने एक सेकंड मैंने यही मांग किया था। सेकंड ऑप्शन कौन सा है? ए बी वाई और यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई थी। ओके तो मैं एक मिनट जरा देख लेती हूँ। ओके सर 14th वाला क्वेश्चन नंबर 14th भी है ऑफर क्वेश्चन नंबर 14 टाइप कौन से तो क्या डाउट है इसमें? मतलब सीएल मतलब पहले 1.5 डी था डायपोल मोमेंट तो इसका एक और ऐड हो गया तो डायपोल मोमेंट बढ़ नहीं जाना चाहिए? पहले 1.5 डी था इसके बाद डायपोल और 1.5 ऐड हो गया तो वेक्टर एडिशन होगा ना इसका बेसिकली उनको डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मच। अच्छा वेक्टर एडिशन होगा। हां वेक्टर
एडिशन होगा तो उसके हिसाब से आएगा जो भी डाइकोलूमेंट आना होगा। एक मिनट 14 ना क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 14। क्वेश्चन नंबर 14। नहीं तो इसके अंदर तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, ये तो आंसर सही नहीं है, ये वाला आंसर तो करेक्ट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक आंसर आएगा इसमें क्योंकि वो तो चेंज तो होगा ही, मतलब वैल्यू तो चेंज होगी वो तो श्योर ही है क्योंकि 1.5 अगर पहले है तो मतलब लेट्स से दैट इज द एक्स, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा √μ/√μ2 √ तो हां चेंज होगा, इसका आंसर करेक्ट हो कैलकुलेट कर ईडी में तो ये कहां से मैं आपको भेज दूंगा इस लेक्चर के बाद में व्हाट्सएप पे। ठीक है ओके। करना पड़ेगा उसका, बट आंसर उसका करेक्ट होगा ये श्योर है। ठीक है। करेक्शन कर देंगे इसके आंसर पर। और बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 ना? हाँ 14। इसका आंसर करेक्ट कर दूंगा। आपने वैसे सी लिखा है तो हो सकता है कि सी आंसर हो इसका। ठीक है और देखते हैं। हाँ 18-19 तो मुझे पता नहीं था, मतलब वो गलत इसलिए होगा ये नॉलेज नहीं थी। ठीक है फिर 18-19 जो गलत गए थे। 18 और 19 इसमें क्या नहीं पता था? नहीं दिक्कत नहीं है, मैं बोल रही हूँ मेरे गलत इसलिए होगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। ठीक है हो गया, और कोई डाउट नहीं है? और कोई डाउट नहीं है? नहीं। तो ठीक है इसको क्लोज करते हैं, आगे शुरू करते हैं और नेक्स्ट कांजरे मोड। ओके इक्विवेलेंट कांसेप्ट पे आता हूं मैं। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का तो आइडिया है आपको? हाँ बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया है। ओके वेरी गुड, मतलब रिएक्शन रिएक्शन नॉर्मल जैसे बैलेंस करना है वो सब आता है? हाँ रिएक्शन बैलेंस करना आता है। ठीक है इक्विवेलेंस क्या होता है पहले मैं वो बताता हूँ आपको। कोई भी एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है इसका मीनिंग ये होता है इन जनरल अगर हम बात करें 2 moles of A react with 3 moles of B तो ये होगा। वैसे ही बोल के बता देता हूँ, काम काम की चीजें केवल लिख दूंगा मैं, कुछ आपको नोट करना हो तो बता देना, दैट आई विल राइट डाउन।
2 moles of A react with 3 moles of B to produce 5 moles of C and 4 moles of C and 5 moles of B. Am I right? हाँ. सही है. Okay. और उसी तरीके से अगर 1 mole of A का होगा तो ratio and proportion कर लेंगे हम लोग. हाँ. ठीक है. अब equivalent concept basically सबसे पहले तो ये समझो कि equivalent concept use में कहाँ पे आता है. It is actually used one, you can't balance the reaction. Two, second ये काम में आता है where only the main components of reaction are available and full reaction is not available. मतलब basically आप first और second दोनों में कुल मिलाकर के अगर आप reaction balance कर ही नहीं सकते हो तो whole concept को लगा ही नहीं पाओगे. जहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं कर सकते हो वहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है. अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बताता हूँ मैं. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये होता है जैसे ए और बी में तो आप ये कह रहे थे कि अगर 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करते हैं तो 3 मोल्स ऑफ बी रिएक्ट करेंगे. सही है. हाँ. या फिर 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट करता है तो 1.5 मोल्स ऑफ बी रिएक्ट करेंगे 3/2. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ A is equal to B is equal to C is equal to D. तो इस रेशियो में क्या वर्क करता है, राइट? अभी इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इक्विवेलेंट होते क्या हैं. अभी ये मैंने पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि सिंपल कोई स्टाइशोमेट्री की जरूरत ही नहीं. मतलब व्हेन आई यूज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आई जस्ट नीड अ रिएक्शन व्हिच विल बी ए प्लस बी. मुझे उसकी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है. ब्रैकेट में लिख देता हूँ इट्स एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन आई एम यूजिंग. मैंने उसको बैलेंस नहीं किया. ऐसा नहीं है कि 1-1 मोल है सबके. मैंने बैलेंस किया ही नहीं. समझ में आई बात? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि उसका ओरिजिनेशन ही वहां से हुआ है कि अगर रिएक्शन के जैसे मान लो ये आप एज्यूम करो कि ये जो एक्चुअल रिएक्शन थी ना ये नहीं थी. ये रिएक्शन थी आपकी इसके नीचे लिख देता हूँ. ओरिजिनल रिएक्शन वाज समथिंग लाइक बैलेंसिंग तो बात की बात है ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी एंड ई वाज द बाई प्रोडक्ट. मान लो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस वाज द ओरिजिनल रिएक्शन नहीं वो ब्रैकेट है सॉरी. तो दिस वाज द ओरिजिनल रिएक्शन बट जो रिएक्शन मुझे गिवन है वो ये ऊपर वाली है. हाँ. ये जो रिएक्शन है बेसिकली दूसरा कलर ले लेता हूँ. तो दिस इज द ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है दिस इज द गिवन रिएक्शन. ये रिएक्शन मुझे गिवन है. अब अगर मुझे ओरिजिनल रिएक्शन सपोज दी भी नहीं गई है तो ओरिजिनल रिएक्शन इज नॉट गिवन टू मी तो मैं बैलेंस वैसे भी नहीं कर सकता ना इसको. राइट. तो अब अगर मुझे एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन दे दी जाती है इन दैट केस मेरे पास में स्टाइशियोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट ऑप्शन में नहीं है. वहाँ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेशन हुआ. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सेज इक्विवेलेंट ऑफ बी जैसे मोल्स होते हैं ना वैसे इक्विवेलेंट होता है. सो इट सेज इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी. मतलब ए का एक इक्विवेलेंट बी के एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके सी का एक इक्विवेलेंट और डी का एक इक्विवेलेंट बनाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैलेंसिंग. मतलब वो इररिस्पेक्टिव क्या बैलेंसिंग तो करनी नहीं है होगी ही नहीं. वही तो यूज करना है जहाँ बैलेंसिंग नहीं होगी. हाँ ठीक है. अब इक्विवेलेंट होते क्या है वो डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे. सो बेसिकली जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे? नंबर ऑफ मोल्स होते थे बिटवीन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट. ऐसे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं दिस इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. अब इक्विवेलेंट वेट को भी डिफाइन कर देंगे. और नई बात number of equivalents is equal to weight in gram divided by equivalent weight. ठीक है. अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई अब equivalent weight क्या होता है तो equivalent weight को define कर देते हैं अब हम. So the equivalent weight is equal to ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे. equivalent weight will be equal to जो भी molecular weight है उस substance का
डिवाइडेड बाय अब ये एक्स फैक्टर क्या होता है ये अभी मैं डिटेल में बताता हूँ आपको. सो बेसिकली इक्विवेलेंट में अभी तक आपको ब्रॉडली ये स्टोरी समझ में आई होगी, है तो मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड. सो हमने इसके अंदर एक्चुअली एक्स फैक्टर हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कैलकुलेशन कैसे होता है उसका. इस पूरी चीज से आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ देखो, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स फैक्टर. अग्रीड? क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे वेटिंग ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, राइट ना, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे वेटिंग ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर. LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर हो गया? हां ठीक है, क्लियर है ना पूरा? ठीक है, हां जहां पे क्लियर नहीं होगा बता देना, नहीं तो आगे का नहीं समझ में आएगा. ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है ये एक्स फैक्टर क्या है. तो पहले तो ये समझ लो एक्स फैक्टर की कैलकुलेशन तो मैं भी बताता हूँ, बट एक्स फैक्टर एक्चुअली डिफाइन ही इसी तरीके से किया गया कि वो जो बैलेंसिंग वाला पार्ट था ना उसको एक्स फैक्टर एक्चुअली एडजस्ट कर रहा है. सीधी सीधी सी बात है. हाँ. Right, तो अब अच्छा ये सब हटा दू एक्स फैक्टर की कैलकुलेशन. ये हटा दू Now let's start the calculation of x factor. X factor को ही n factor भी कहते हैं कई जगह. So x factor और n factor. जो x factor और n factor है, ये होता बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ खास इसमें डिफिकल्टी नहीं है. ये सबसे पहले तो defined और reactions only and not for substances. अगर reaction नहीं है तो कोई expector नहीं. जब बोलोगे independently calcium sulfate का expector क्या है, कोई expector है ही नहीं जब तक reaction नहीं. हाँ ठीक है. reaction में जब वो participate करेगा तब बताता हूँ क्या expector है. तो reactions कितने तरह की होती हैं? Simple होती है दो part में. अगर majorly इसको हम categorize करें, एक को non redox बनाऊँगी और दूसरा आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी. हाँ. रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स पता ही है आपको, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. हाँ. राइट. अच्छा, जब रेडॉक्स रिएक्शन होंगे तब तो एक्स फैक्टर बहुत इजीली डिफाइन होता है. रेडॉक्स के अंदर एक्स इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रिएक्शन दे लेता है उससे आइडिया हो जाएगा. लेट्स टेक AmNO4, AmNO4 लेता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सैलिक एसिड से. तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट एक्चुअली बनते हैं वो डिपेंड करता है एसिडिक मीडियम है अल्कलाइन मीडियम. ये तो एसिडिक मीडियम है क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड है ना. तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बनेगा MnO2 और प्लस आपका यहाँ पे बनेगा आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए. अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर अगर चेंजेस देखना स्टार्ट करोगे, क्या क्या चेंजेस आए ऑक्सीडेशन स्टेट में वो देखते हैं जरा. यहाँ पे जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती थी, ये मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. ठीक बात है. और MnO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. चेंज कितना अभी यहाँ पे नॉन रेडॉक्स का इसके बाद में बताता हूँ, पहले रेडॉक्स का देख लेते हैं. अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन एक्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ सब्सटेंस, तो अब
KMnO4 का अगर मैं आपसे यहाँ पे सीधा सिंपल पूछता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी कर लेते हैं यहाँ पे, H2O4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखें जरा, 4 × 2 = 8 में से 2 तो ये सब्सट्रैक्ट हो गया, 6 तो प्लस 3 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक यहाँ पे एग्रीड और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्लियर है अब यहाँ पे। अब अगर सपोज मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, इफ आई आस्क यू कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 कितना है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। तो अब ये जानने के लिए मुझे यहाँ पे एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना होगा? एक्स फैक्टर ऑफ KMnO4 कैलकुलेट करने के लिए सीधा सिंपल है, मैं ये देखूंगा KMnO4 के, अच्छा इसमें आप देखो KMnO4 में ऑक्सीजन की और पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो एज इट इज ना, प्लस 1 और माइनस 2, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली जब भी रेडॉक्स रिएक्शन में, अब आपसे मैंने पूछा KMnO4 के बारे में, अच्छा आई के मैं कभी भी आपसे इक्विवेलेंट वेट कितना है, क्योंकि मैग्नीज एक एटम है, एटम कभी रिएक्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। जब मैं KMnO4 का आपसे पूछ रहा हूँ तो एक्स फैक्टर तो निकालना है KMnO4 का, वो ठीक है। अब एक्स फैक्टर निकालने के लिए आपकी जो स्टेप 1 होगी वो आप तो ये देखोगे 1 मोल ऑफ KMnO4 के अंदर कितने मैग्नीज हैं और पर मैग्नीज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है, समझ में आई बात? क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ सब्सटेंस, नॉट पर मोल ऑफ एटम। मॉलिक्यूल के एक मोल में ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है वो उसका एक्स फैक्टर होगा। तो यहाँ पे तो केस सिंपल है, इसके बाद एक टिपिकल केस भी लेते हैं। यहाँ पे तो KMnO4 के एक मोल में एक ही मोल है मैग्नीज का, और पर मोल ऑफ मैग्नीज चेंज कितने का है? 5। वेरी गुड, 7 - 2 5 का, राइट? तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 5। ऐसे मतलब क्योंकि K का 1 था और ये 5 था, K और O में कोई चेंज हुई नहीं, जो चेंज हो रहा है मैग्नीज में ही हो रहा है, नहीं हो रहा पोटेशियम और ऑक्सीजन को, तो मैं देखूंगा ही नहीं ना, जिसमें कोई चेंज नहीं है उसमें क्या देखूंगा। मुझे टोटल चेंज देखना है एक पर्टिकुलर, उसमें कि भाई टोटल चेंज कितना हो रहा है। नहीं बात, टोटल चेंज कितना हुआ गया, मैंने 4 में 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, फैक्टर इज 5। H2C2O4 का निकालो बिल्कुल इसी तरीके से, कितना है एक्स फैक्टर? 1। गड़बड़ कर दिया ना, देखना पड़ेगा। H2C2 स्टेप बाय स्टेप जाओ हमेशा, H2C2O4 के 1 मोल, सबसे पहले तो ये देखो स्टेप 1 चेंज किसमें है, 3 एटम है इसमें, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, चेंज किसमें हो रहा है? कार्बन, कार्बन में, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो तो एज इट इज है। अच्छा अब 1 मोल ऑफ H2C2O4 में कितने कार्बन है? 1 मोल ऑफ H2C2 दो कार्बन है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, पर कार्बन कितना चेंज है? पर कार्बन मतलब 2 कार्बन है, तो मतलब एक कार्बन एटम में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है? एक का है, तो 2 कार्बन में कितना होगा? आधा। अरे एक में एक का है तो 2 में 2 का चेंज होगा ना? हाँ 2 में 2 का होगा, सॉरी 2 में 2 का चेंज होगा, प्लस 3 से प्लस 4 में हो जा रहा है, तो 2 कार्बन, हाँ। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 कार्बन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना, हाँ। तो अगर वो 2 का चेंज होगा, एक मोल H2C2O4 में 2 कार्बन है, एक मोल H2C2O4 में उतना ही चेंज होगा जितना 2 कार्बन में चेंज होगा, हाँ। H2C2O4 में 2 कार्बन है, हाँ। तो हमें यही तो निकालना था कि एक पर मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल ऑफ सब्सटेंस में कितना चेंज है, 2 का चेंज है।
ओके कार्बन से लेना देना थोड़ी है, मैं एक्सक्लूसिव ऑफ बोर के एक्सपेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। कार्बन का एक्सपेक्टर थोड़ी पूछा है। तो जिसका एक्सपेक्टर पूछा है उसका एक मोल ले लो, उसमें देख लो टोटल चेंज कितना होगा। अच्छा नहीं आए, आपको किसका एक्सपेक्टर निकालना था यहाँ पे? सी का नहीं निकालना था ना, सी का, यही तो गलत कंसेप्शन है। H2C2O4 का एक्सपेक्टर, हाँ H2C2O4 का, हाँ बहुत डिफरेंस है ना दोनों में। तो जिसका एक्सपेक्टर निकालना है, एक्सपेक्टर क्या होता है ऊपर देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ सब्सटेंस। H2C2O4 के एक मोल में कितना चेंज हो रहा है वो उसका एक्सपेक्टर होगा ना। हाँ तो 1 का हो रहा है। देखो इतना जल्दी जंप मत करो, H2C2O4 के 1 मोल में जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसका एक्सपेक्टर है। यहाँ तक ठीक है? हाँ। H2C2O4 के 1 मोल में उतना ही चेंज होगा जितना 2 कार्बन में चेंज होगा, बिकॉज H2C2O4 कंटेन्स 2 कार्बन। हाँ। H2C2O4 के 1 मोल में कितना चेंज है वो निकालना है, तो 2 कार्बन में कितना चेंज है वो निकाल लो, आ जाएगा आपका आंसर। H2C2O4 में 2 कार्बन है ना। हाँ। तो 2 कार्बन में निकालोगे ना, सिंपल सी चीज है ना भाई, ये एक H2C2O4 है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज 1 H2C2O4, ये एक H2O4 है ना, ये 1 H2C2O4 है, इस 1 H2C2O4 में 2 कार्बन है ना। हाँ। ये जो 2 कार्बन है इसके अंदर कितना चेंज हो रहा है, ये जो कार्बन है ये +3 से +4 में जा रहा है। एक कार्बन में एक का चेंज है, तो अगर 2 कार्बन होंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा ना, +2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा ना यहाँ पे मैं, +2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा ना, एक कार्बन में है ना एक का चेंज, तो एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन यूज कर रहा है, लूज कर रहा है। एक कार्बन में एक दो, हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेसिकली, C+3 से C+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन है ना। हाँ तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना 2 कार्बन के लिए। हाँ राइट, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ ना। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। हाँ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, अभी ये जो एक H2C2O4 है इसमें एक कार्बन है कि 2 कार्बन है? इसमें इसमें 2 कार्बन है, 1 H2C2O4 has 2 कार्बन, 2 कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो एक H2C2O4 में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। हाँ एक H2C2O4 में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है यही तो निकालना था। हाँ तो 2 हुआ, तो उसका एक्सपेक्टर 2 हो गया। हाँ समझ में आई बात? हाँ इसका एक्सपेक्टर 2 हो जाएगा, 2 कार्बन है ना मॉलिक्यूल, जिसका एक्सपेक्टर निकाल रहे हो उसका कैलकुलेशन करोगे ना, कार्बन का एक्सपेक्टर थोड़ी निकालना है। रिएक्शन देते हैं इसी तरीके से, उसके अंदर बता रहा था, ये हटा दूं पूरी कहानी? हाँ हाँ नोटेड, ठीक है नोट कर लिया, तो ये हटा रहा हूँ। H2SO4 iodine N2SO4O6, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, किसी को हाइपो टाइट्रेशन कहते हैं, इसका नाम है। हाइपो टाइट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो N2SO3 है ना इसका नाम हाइपो है, ये हाइपो सॉल्यूशन होता है N2SO3। अच्छा इसके अंदर चारों के एन फैक्टर निकालो। हाँ 1 2 3 4 हाँ ठीक है निकालते हैं।
एक मिनट रुको, बिफोर मूविंग इनटू दिस, पीछे वाली जो रिएक्शन थी ना उसमें एक चीज रह गई थी, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको आप सॉल्व करना तो और इजीयर भी रहेगा, इसको बाद में करना। इसके पहले वाली जो हमारी रिएक्शन थी वो थी MnO4 रिएक्टिंग विद के साथ रिएक्शन हुई थी फॉर्मली लिक्विड के साथ, तो और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस CO2 और Mn+ को बना था MnO। हाँ, अब ये जो रिएक्शन थी इसमें जो लेफ्ट साइड थी इसके फैक्टर्स मैंने कैलकुलेट कर दिए थे, ठीक है, ऊपर वाला बाद में करूंगा, पहले इसी को कंप्लीट करूंगा मैं। इसका जो x फैक्टर आया था वो 5 आया था और इसका जो ये हमने किया था पहले, अभी ऐसी उस वाले का करना है। वेट, सेकंड नंबर की रिएक्शन को सॉल्व कर रहा है, लेफ्ट साइड में जो दो मॉलिक्यूल है उसके एक्सपेक्टर मैंने कैलकुलेट किए थे, उसको बहुत ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट किए हैं। जैसे वो कैलकुलेट किए हैं, अब क्वेश्चन है CO2 और MnO2 का एक्सपेक्टर क्या होगा इसी रिएक्शन। अच्छा ठीक है, ठीक है, अटेम्प्ट करो, सॉल्व होगा नहीं होगा वो बात की बात है, देखते हैं कितना अटेम्प्ट हो पाता है। मतलब x फैक्टर दिया हुआ है और हमें और क्या कैलकुलेट करना है, वापस से ध्यान से सुनना, अगर जल्दबाजी करोगी ना तो गारंटी के साथ नहीं होगा वो सही, तो वैसे भी नहीं होगा इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं है ये। KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का ऊपर जो रिएक्शन लिखी हुई है उसको तो भूल जाओ, सेकंड रिएक्शन पे दिमाग लगाओ, अभी वो रिएक्शन है ही नहीं फर्स्ट वाली तुम्हारे पास में, सिर्फ सेकंड रिएक्शन है, उसके अंदर ध्यान से पहले देखो प्रीवियस आपने जो नोट किया था, नहीं नोट किया था तो वापस मुझे बताओ, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का मैंने एक्स फैक्टर कैलकुलेट किया, पहले उसको ध्यान से देखो ये 5 कैसे आया और ये 2 कैसे आया, उसके अंदर कोई डाउट है तो पहले मुझे बताओ, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसी रिएक्शन में जैसे मैंने KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का कैलकुलेट किया वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करना है एक्स फैक्टर। अच्छा ठीक है, और जैसे मैंने स्टेप बताई बिल्कुल वैसे ही करना, नहीं तो परेशान होगी। देखो आराम से पहले दोनों का कैसे मैंने कैलकुलेट किया, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो पहले मेरे को बताओ। अगर वो दोनों समझ में आ गए हैं तभी CO2 पे आगे बढ़ना, नहीं तो आगे मत बढ़ना। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन सा वाला सेम रहने वाला है? सारे जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओ अच्छा, कैलकुलेट करना आता ही अपने को, जैसे ऑक्सीजन माइनस होता है वो पता है, H+1 होता है, पोटेशियम+1 होता है, ये नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनको यूज करते हुए जो अननोन है कार्बन हुआ मैग्नीज हुआ उसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। हाँ कर रही हूँ।
पहले तब की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रही हूं, कर रही हूं। हाँ, कैलकुलेट करके मुझे बताओ किसकी कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ठीक है, करो फिर बताना। अच्छा सृष्टि, व्हाट आई विल डू फॉर टुडेज असाइनमेंट, एटॉमिक के डीपीपीज भेजता हूं मैं, साथ में मैं आपको थोड़ा ना एक दो डीपीपीज मोल कॉन्सेप्ट वाली भेजता हूं, मतलब नॉट मोल कॉन्सेप्ट, जो स्टोइकोमेट्री का पार्ट होता है ना यूजिंग मोल, उसमें एक बार नेक्स्ट टर्म पे मुझे बता देना कि अगर उसके अंदर कोई दिक्कत हो तो पहले वो कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। अच्छा ठीक है ओके, आज के असाइनमेंट में इक्विवेलेंट कांसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी वो नेक्स्ट टर्म में दूंगा इसका असाइनमेंट में, तो आज मैं एटॉमिक प्लस स्टोइकोमेट्री दोनों का भेज देता हूं। हां ठीक है ओके, दोनों डील में भेज दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, तो नेक्स्ट टर्म में मुझे आईडिया हो जाएगा कि उसके अंदर अपना कितना गिर रहा है। हां ठीक है, इसमें एमएन का पहले का आया ओएस इक्वल टू 7, जबकि एएमएनओ4 में ओएस एमएन का आया 7। ठीक है फिर मुझे एक एक करके बताओ कि MnO4 में पोटेशियम का कितना आया? 1, मतलब उसको तो 1 होता है ना। ओके 1 मतलब +1 -1 हो, +1 +1। हाँ तो ये हो गया +1। ठीक है हाँ, मैग्नीशियम Mn का +7। ठीक है ठीक है, और O का तो होता ही है। ठीक है फिर 4H2 का कितना लिया हुआ है आपने? -8। हाँ -8, अरे -2 हुआ ना, वो तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताई जाती है ना, तो -2, और ऐसा कोई गारंटी नहीं है ऑक्सीजन का -2 होता है उसका। हाँ, ऑक्सीजन का -2 है, मतलब वो फोल्ड लिए हुए है ना, तो इसलिए मैंने -8 बोला था। वो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, इसकी गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे -2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आ जाएगा तो उसमें -1 भी होता है। अच्छा ओके, यहाँ पे यहाँ नहीं है, वो एक अलग चीज हो गई, बट यू कैन ऑलवेज कम अक्रॉस विद दीज एलिमेंट्स आल्सो ना, H2O2 भी आ सकता है और KO2 भी आ सकता है, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है या -1 होता है, और ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है या -0.5 होता है। अच्छा नहीं बात राइट, तो वो हो गया कोई अलग बात है, बट यू शुड बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस ऑक्सीजन। ठीक है हाँ, अभी आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फिर हाइड्रोजन का मैंने +1 लेके किया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे +1 है, दैट इज फाइन, बट अगर LiH आ जाएगा तो -1 भी होगा, होता है ना, +1 भी होता है और -1 भी होता है राइट। हाँ ठीक है ओके, और हाइड्रोजन 0 भी होता है, अगर H2 आएगा देन इट विल बी 0 राइट ओके, यहाँ +1 ठीक है। आगे बताओ फिर सी का +3, वो तो ठीक है कैलकुलेट होके आ जाएगा +3, ऑक्सीजन का -2। हाँ ऑक्सीजन -2 ठीक है, फिर कार्बन, फिर कार्बन OS इक्वल टू +4। हाँ ये +4 है और ये -2 है। हाँ MN मैं देख रही हूँ एक सेकंड। Mn का भी +4, मैंगनीज का +4 है, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, ये सारी की सारी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब स्टेप 2, ये एक बार ध्यान से देखो कि ये
x equal to 5 और x equal to 2 कैसे आया, ये आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, पहले इसको चेक करो। उसमें कोई डाउट है तो उसको रिजॉल्व करो। Change in oxidation state upon mole of substance, है ना? Hello, अरे sir कुछ नहीं बोला। हाँ, बोलो। मतलब change in oxidation state upon mole of substance होता है? Change हाँ, x factor is change in one mole, एक जिसके भी सबसे पहले तो atom की तो बात करेगा नहीं, क्योंकि atom reaction में participate नहीं करता, right? और x factor reaction के लिए होता है, जब reaction नहीं है तो x factor नहीं है। राइट, तो एक्स फैक्टर जब कोई भी रिएक्शन होगी उसके अंदर जिस भी मॉलिक्यूल के एक्स फैक्टर की आपसे बातचीत हो रही है उस मॉलिक्यूल के लिए एक्स फैक्टर इज डिफाइंड एज चेंज इन वन मोल, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है पर मोल ऑफ सब्सटेंस। सिंपल, बात एक मोल सब्सटेंस का लेना है आपको, उसके अंदर उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है दैट इज द एक्स फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? हाँ, अभी आगे बताओ, आगे चेक करो, मतलब कोई डाउट हो तो बोलो। ये मैंने बोला है ऊपर को चेक करो, मतलब चेंज तो मतलब होगा जैसे Mn, Mn में तरह चेंज तो 3 का हो रहा है। Mn में चेंज 3 का हो रहा है क्यों? अच्छा एक नहीं नहीं एक मिनट रुको यार, ये तुमने गलत लिखवा दिया ना, मैंगनीज का यहाँ पे प्लस 4 कैसे हो सकता है, मैंगनीज का यहाँ पे प्लस 2 होगा ना, कितना है? अच्छा एक मिनट यहाँ पे मैं, हाँ तो एक मिनट रुको, तो मैंने इसमें ये गड़बड़ किया हुआ है, वेट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये MnO2 नहीं बनेगा फिर MnO बनेगा यहाँ पे, ये नहीं ओके दिस विल बी MnO एंड दिस विल बी प्लस 2, वो मैंने प्रोडक्ट गलत लिखा हुआ था वहाँ पे। अच्छा अभी ठीक है? हाँ MnO2 नहीं बनेगा, MnO बनेगा इस रिएक्शन में, करेक्ट कर लेना, वो एल्केलाइन बनता है MnO2। अभी करो आराम से, टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। KMnO4 का देखो फिर H2C2O4 का देखो, पहले KMnO4 का देख के क्लियर करो बाद में H2C2O4। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 5 हुआ, मतलब मोल एक ही था तो 5 ही हुआ। मोल एक किसका था? स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको। Mn का मोल एक था क्योंकि K का सेम रहा, O का सेम रहा ऑक्सीडेशन से, तो जिसमें चेंज हो रहा है उसी को लेंगे। आपको KMnO4 बाकी सब कुछ हो जाएगा करना था, तो KMnO4 में कितना, एक मोल KMnO4 में कितना इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है वो उसका एक्स फैक्टर है। सिंपल, हां तो एक मोल KMnO4 मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसमें एक मोल में एक ही मोल मैग्नीज है तो 5 का चेंज था। हां सही है। अब ऐसे H2C2O4 को देखो। देख रही हूँ। आराम से
यहाँ पे दो मोल है एच के सी सी के, मतलब एच टू सी टू ओ फोर, तो एच तो सेम ही रह रहा है, ओ भी सेम रह रहा है। ठीक हाँ बोलते जाओ आगे। है सी टू, तो मतलब सी टू में यहाँ पे सी टू है, मतलब दो सी है तो दो मोल हुए, है ना? हाँ बोलते जाओ आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो दो मोल हुए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और फिर उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 मोल का, और 1 मोल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया था 4, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 1 हो रहा है अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 आना चाहिए ना, अपॉन 2 फिर मोल्स। गलत कर रही हो, जंप मत करो किसी भी चीज पे। H2C2O4 का x फैक्टर होगा 1 मोल H2C2O4 में इलेक्ट्रॉन्स में का जितना चेंज हुआ, ये ठीक है? निकालना हाँ क्या है पहले, इतना जंप करके आगे मत जाओ, क्या कैलकुलेट करना है? H2C2O4 का x फैक्टर कैलकुलेट करना है आपको। हाँ आप तो लिख लो एक जगह कि H2C2O4 का कैलकुलेट करना है मुझे, एक्स फैक्टर कार्बन का नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है? राइट, क्वेश्चन इज एक्स फैक्टर ऑफ H2C2O4। हाँ अभी H2C2O4 का एक्स फैक्टर कितना होगा, उसके 1 मोल में जितना इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा, ठीक हाँ है? अब उसके 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके पास 3 चीज है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, राइट? उन सब में देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो कोई चेंज है नहीं, अभी कार्बन के अंदर चेंज है, एक कार्बन में एक का चेंज है, दो कार्बन में दो का चेंज होगा, हाँ एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना, हाँ इसके 1 मोल के अंदर दो कार्बन है ना, दो कार्बन एक एक कार्बन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रुक जाओ। आप स्टेप बाय स्टेप जाओ और उस चीज को लिखो, ऐसे नहीं होगा। ओरली H2C2O4 का एक्स फैक्टर होता है 1 मोल ऑफ H2C2O4 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। ठीक है लिखा, सिंपल करो ना, H2C2O4 में जितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा, आप पहले अपनी पैरेटिव में डिफाइन करो कि आपको कैलकुलेशन किस चीज की करनी है। यू वांट टू कैलकुलेट एक्स फैक्टर ऑफ H2C2O4, ठीक है? ये आप कैलकुलेट करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू कैलकुलेट एक्स फैक्टर ऑफ कार्बन और एनी अदर एटम एज एटम्स डू नॉट रिएक्ट, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट ना, तो आपसे पूछा है कार्बन का और ना ही आपसे कभी पूछा जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन करते ही नहीं है। हाँ आपका वीडियो गायब हो गया। हाँ वो बैटरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हाँ ठीक है, हाँ, तो बेसिकली एक्स फैक्टर जो आपको कैलकुलेट करना है, दैट एक्स फैक्टर नीड टू बी कैलकुलेटेड फॉर H2C2O4, ये ठीक है? बिल्कुल हाँ इस तरह से स्टेप चलोगे तभी वो कैलकुलेट होगा, ये आसान पार्ट नहीं है ये वाला। अभी एक्स फैक्टर ऑफ H2C2O4, एक्स फैक्टर ऑफ H2C2O4 होता क्या है, नंबर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, नॉन रेडॉक्स को भी 30 बाद में देखेंगे। रेडॉक्स हाँ रिएक्शन में एक्स फैक्टर ऑफ एनी मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ सब्सटेंस, हाँ यही था ना? हाँ अब आपको बहुत सिंपल चीज करनी है कि आप 1 मोल ले लो H2C2O4 का, उसमें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है ये कैलकुलेट करना। हाँ सही है, अब आप आ जाओ 1 मोल ऑफ H2C2O4, ठीक है? इसमें क्या क्या है, इट हैज H,
नो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एच एंड ओ. चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन. चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कार्बन एटम्स. क्या हुआ, कौन है? कुछ नहीं. हाँ, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम, इसी में चेंज हो रहा है. हाँ. वन एच टू सी टू ओ फोर हैज हाउ मेनी कार्बन एटम्स? फोर हैज हाउ मेनी एटम्स? How many carbon atoms? Two. Change of electrons per carbon. Kitna? Change of electrons per carbon. Per carbon. दो कार्बन के हिसाब से सिर्फ इसका आंसर देना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. हाँ, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कार्बन कितना है इस रिएक्शन में? एक कार्बन के लिए कितना चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? दो कार्बन के लिए एक चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन के लिए दो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. एक कार्बन लेफ्ट साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? लेफ्ट साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है. 3 नहीं है, +3 है. वैलेंसी +3 है, +3 है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज सेम विद साइन, विदाउट साइन वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट विद साइन होती है. हां, राइट साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 4. एक ही कार्बन एटम की होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा एक कार्बन एक ही एटम की बताई जाती है. एक एटम में कितना चेंज दिखाई दे रहा है आपको इलेक्ट्रॉन्स का कार्बन में? +3 से +4 में गया ना. हाँ, +3 से +4 में गया, तो एक इलेक्ट्रॉन. सी प्लस थ्री से सी प्लस फोर में जा रहा है, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, राइट? हाँ. +3 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सी प्लस फोर, यही हो रहा है, राइट? तो अगर ये हो रहा है बेसिकली, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, सी प्लस फोर में जाएगा तो +1 इलेक्ट्रॉन हो गई, प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ओके. ये प्लस इलेक्ट्रॉन उधर क्यों आएगा और किधर आएगा तुम्हारे हिसाब से? मतलब इस साइड आना चाहिए सी प्लस थ्री की. कर रही हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. हाँ. तो फोर अच्छा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है समझ गए. अभी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कार्बन कितना है? वन. हाँ, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कार्बन 1 है, ठीक है. हाँ. अभी नेक्स्ट इसके अंदर आई विल राइट डाउन दस चेंज ऑफ, अच्छा इसी में आप अब एक काम करो. चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर 2 कार्बन एटम्स कितना होगा? चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर 2 कार्बन एटम्स. हाँ, पर कार्बन तो 1 है, तो 2 पर 2 होगा, तो 2 होगा. ठीक है, 2 होगा, सही है. ऊपर वाली रिएक्शन है C+3 से C+4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा. हाँ, सही है ना, ऊपर वाली रिएक्शन से मल्टीप्लाई करोगी तो 2 ही आएगा ना, और तो क्या आएगा. अग्री? हाँ, ठीक बात है, ओके, ठीक है. अब यहाँ पे
यहाँ कर भी देते हैं बेसिकली, इसी रिएक्शन को जब आप टू से मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो ये आ जाएगा टू सी प्लस थ्री गेटिंग कन्वर्टेड इन टू टू सी प्लस फोर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। हाँ। अभी ये जो तीन स्टेटमेंट है जहां पे मैं कर्ली ब्रैकेट बना रहा हूँ, इन तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो और मुझे ये बताओ एक मोल H2C2O4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है 1H2C2O4 में? दो। दो का चेंज है? हाँ। That's what is the X factor of H2C2O4? यही था ना? हाँ। आगे आपका आंसर? नहीं रुक जाओ, दो का चेंज तो है पर वो अपॉन वो भी तो करना होता है ना, नंबर ऑफ मोल, ये अपॉन मोल ऑफ सब्सटेंस। अच्छा एक ही मोल है, मोल तो एक ही है। 1H2C2O4 में जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा वही तो उसका एक्सपेक्टर होता है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके। तू आ गया? ये क्लियर है? क्लियर है। नोट कर लो इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का और MnO का, इन दोनों का कैलकुलेशन करो। ठीक है। CO2 का एक्सपेक्टर निकाल के दो मुझे। पूरा नोट कर लो, कहीं पे भी कुछ भी अगर है तो वापस पीछे चेक कर लो, फिर CO2 का कैलकुलेट करो। CO2 का कैलकुलेट हो जाएगा तो MnO का कैलकुलेट करेंगे, और वो MnO नहीं है वो MnO है, ये ध्यान रखना। मतलब CO2 का कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शन इस साइड जा रहा है ना? रिएक्शन तो फॉरवर्ड में ही जा रहा है, एक्स फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये कहाँ पे रिक्वायरमेंट है? अच्छा एक्स फैक्टर तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ सब्सटेंस है ना, रिएक्शन पे। हाँ ठीक है। राइट, रिएक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए बस, किधर जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ ओके, आराम से इसको नोट कर लो, इसको देख के CO2 का कैलकुलेट करके बताना। हाँ। ठीक है। इसका आंसर वन आएगा CO2 का? हाँ ठीक है। MnO का कैलकुलेट करो। हाँ
MnO का कर रही हूँ। ठीक भाई, हाँ ठीक है, ये रख कर दूँ ये वाली रिएक्शन नीचे हाँ। वाली। अभी ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे Na और S दोनों है तो फिर मतलब सिर्फ ऑक्सीजन का पता रहता है नंबर, NaS मतलब दो का निकालना है। ऑक्सीजन का भी बाद में आता है, एल्केली मेटल्स का तो पता ही रहता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जितने एल्केली मेटल्स उनका तो प्लस वन ही होगा, प्लस वन होगा। हाँ, ऑक्सीजन का भले ही वेरी कर सकता है ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड में, एल्केली मेटल में तो कभी भी कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से जो हैलोजन्स होता है उनका फिक्स भी है माइनस वन ही होगा। हाँ, एक्सेप्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स लाइक ICL, वो एक अलग चीज हो जाती है कि अगर ICL दे दिया तो Cl का माइनस वन, आयोडीन का प्लस वन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, राइट, उनको छोड़ के बाकी सब जगह हैलोजन माइनस वन। हाँ, सॉल्व करो। सर I2 का क्या होगा? I2 का? हाँ, आपको बताते हैं। हाँ, यह हमारा व्हाइट बोर्ड ले रहा। I2 चार्ज कितना है मॉलिक्यूल के ऊपर? जीरो है। जीरो का x अज्यूम कर लो तो 2x इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर x इक्वल टू जीरो। अच्छा, जीरो भी हो सकता है, होता ही है ना, I2 x2 N2 सब में जीरो होगा। हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एलिमेंट है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ,
सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 2 है. ओके लेफ्ट पहले LHS देख लेते हैं. ठीक है रुको एक मिनट. सो LHS लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर, सल्फर कितना है बोलो. सल्फर प्लस 2. सल्फर एज यू आर सेइंग प्लस 2. हां ठीक है. ऑक्सीजन का माइनस 2. ऑक्सीजन का माइनस 2 ठीक है. राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो. ठीक है राइट हैंड साइड में एस का एनए का तो 1 ले लिया है. राइट हैंड साइड में सोडियम का 1 लिया हुआ है आपने लोगों को. सोडियम का तो ठीक है 1 होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सल्फर का 2.5 प्लस 2.5. सल्फर का प्लस 2.5. ओ का माइनस 2. आई का माइनस 1. ऑक्सीजन का माइनस 2. हाँ आई का माइनस 1. आयोडीन का माइनस 1. हाँ हाँ सही है. अभी मेरे को एक बात बताओ, इसी में सपोज इफ आई गिव यू द मॉलिक्यूल Na2S2O8, अभी इसके अंदर जरा कैलकुलेट करो सोडियम सल्फर ऑक्सीजन का क्या है. हाँ ठीक है. चलो एक काम करो इसको बाद में देखते हैं, याद रख लेना मुझे नेक्स्ट टर्न पे याद दिलाना, पहले इसी को फोकस करते हैं. अभी एक काम करो Na2S2O3 का x फैक्टर कैलकुलेट करो, ये जो सबसे फर्स्ट वाला है ना. हाँ तो ठीक है करती हूँ. ये वाला Na2S2O3 इसका x फैक्टर कैलकुलेट करो यार. अच्छा हाँ रुक जाओ सॉरी. वन हो जाएगा. हाँ ठीक है. आई टू का कैलकुलेट करो. हाँ
टू हो जाएगा हाँ टू हो जाएगा ठीक है एन ए आई का करो सोडियम आयोडाइड का हाँ वन ठीक है ये सब रख कर रहा हूँ हाँ चलो ये एक्स फैक्टर तो आपको इससे समझ में आया कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन में एक्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है अभी एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना अपने को आ गया है तो अभी आप एक काम करो हाँ देखो वंस यू नो द एक्स फैक्टर तो आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो वेटिंग नाम भाई अच्छा अब देखो आप थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये लिखा था वापस से लिखता हूं मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्स फैक्टर ये सही है एग्रीड हाँ ये कहां से आया था ये यहां से आया था कि बेसिकली व्हाट वी वर डूइंग वापस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट राइट और ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट लेट्स से एम डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट सही है हाँ LHS इक्वल टू RHS आ गया W बाय M इनटू X लिखा हुआ है दोनों साइड में हाँ अच्छा सो वंस यू नो द एक्स फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट तो पता होता ही है वेट इन ग्राम गिवन होगा क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली हाँ सही है राइट अच्छा अब आप एक काम करो तो ठीक है दो तीन रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं इसके अंदर जरा ये रख कर दू ना वैसे जो लिखा हुआ है मैंने ठीक है HNO3 प्लस H2S producing water plus NO plus sulfur एक काम करते हैं तो मैं आ तो गया ही है अभी तो मैं पहले वो आपको बता देता हूँ कि नॉन रेडॉक्स में एक्स फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं फिर एक साथ देता हूँ ये सब है ना ठीक है अभी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में आपका एक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा ही नहीं राइट तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में टोटल तीन तरह के सब्सटेंसेस होते हैं एक एसिड होता है एक बेस होता है और एक सॉल्ट होता है इन्हीं चीजें होती है ना राइट इनके जो एक्स फैक्टर होते हैं वो मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ बहुत सिंपल ही है नॉन रेडॉक्स में तो रेडॉक्स में थोड़ा टिपिकल था एसिड में रिप्लेसेबल एच प्लस आयन रिप्लेसेबल एच प्लस आयन का मीनिंग क्या है रिप्लेसेबल एच प्लस आयन का मीनिंग ये है जैसे फॉर एग्जाम्पल एच टू एस ओ फोर की आप रिएक्शन करवाओ एन ए ओ एच के साथ में सपोज अगर प्रोडक्ट बनता है एन ए एच एस ओ फोर
कर देता हूं मैं। अगर ये प्रोडक्ट बनता है, लेट्स से दिस इज रिएक्शन नंबर वन, और एक और रिएक्शन नंबर टू ले लेते हैं, इसी के आगे ले लेते हैं, एक दूसरी रिएक्शन नंबर टू पॉसिबल है, ये बताता हूँ क्या है अभी, इसके अंदर NaHSO4 नहीं बना करके मैंने प्रोडक्ट बनाया Na2SO4, ठीक है? तो रिएक्शन नंबर, अच्छा अब मुझे कैलकुलेट करना है X फैक्टर ऑफ H2SO4, ठीक है? तो रिएक्शन नंबर वन में कितना होगा बोलो, देखो आपके सामने ही है। रिएक्शन नंबर वन में होगा वन, हाँ, और रिएक्शन नंबर टू में कितना होगा वन, अरे नहीं रिएक्शन, सॉरी सॉरी एक सेकंड, नहीं दो दो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस है ना, एच प्लस रिप्लेस हो रहा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? ठीक है, इसी तरीके से अगर बेस होगा तो रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, ठीक है, और सॉल्ट में क्या होगा, तो सॉल्ट में होगा टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स कंपोनेंट आयंस, फॉर एग्जांपल Al2SO4 होल साइज का जो X फैक्टर आएगा वो आएगा 6, कैसे आएगा X फैक्टर 6, वो ऐसे आएगा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इससे बनेगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 SO4 2 माइनस। अभी फिर से एक्स फैक्टर किसका देख रहे थे, Al2SO4 ऑल्ट्राइज का देख रहे हैं, ठीक है? Al2SO4 ऑल्ट्राइज में एक नहीं दो एल्यूमिनियम है, तभी तो 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस बना ना, 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस पे चार्ज कितना +6, 3 SO4 2 माइनस के ऊपर चार्ज कितना -6, एक्स फैक्टर हो गया 6, ठीक है, समझ आई बात? क्लियर, ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में, तो अब कोई भी रिएक्शन आपके सामने आएगी, अभी आजकल एक्स फैक्टर की पे ही फोकस करता है, ये क्लियर हो गया तो क्या है, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, होगी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, तो फिर रिएक्शन कर पाएंगे, राइट? सो मेन इज की अब कोई भी रिएक्शन आपके सामने आएगी तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स है, रेडॉक्स है तो ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेशन होगी, नॉन रेडॉक्स है तो इस तरीके से हो जाएगा, हां ठीक है, क्लियर हो गया, राइट? क्लियर, ठीक है, तो अब आप एक काम करो, कुछ रिएक्शंस दे देता है उसमें जरा एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना शुरू करो, ये नोट कर लिया? हाँ, अब कर दूं? हाँ, ओके, HNO3 प्लस H2S, जो भी रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ मुझे उसमें सबके एक्स फैक्टर चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, आप मुझे बताते जाना, उसके बाद इससे बन रहा है प्लस NO प्लस सल्फर। अब जैसे ये सब रिएक्शन है कहीं बैलेंस कोई बेसिकली इसमें कंपोनेंट नहीं है, राइट? ठीक है, हाँ, सेकेंड रिएक्शन इज हियर O3 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, O3 माइनस प्लस Fe2+ प्रोड्यूसिंग, अच्छा प्लस H+ प्रोड्यूसिंग Cl-
प्लस Fe प्लस प्लस H2O थर्ड रिएक्शन है ऑक्साइड प्लस NH3 गिविंग कॉपर N2 प्लस H2O CLO3 माइनस में 3 नीचे O मतलब O के ऊपर है कि नीचे है CLO3 माइनस में वो तो 3 नीचे है ना ठीक है टोटल चार्ज माइनस में है 3 ऑक्सीजन है अच्छा इनके एक्सट्रैक्टर्स कैलकुलेट करके अच्छा तो तुम्हारे पास काम काफी हो जाएगा सैटरडे के लेक्चर के लिए बट वी विल नॉट डिले द लेक्चर व्हाई आई एम सेइंग काम काफी हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ये रहेगा कि एक तो एटॉमिक की डीपीपी आ जाएंगी राइट उसके बाद में आपको स्टोइकोमेट्री की एक दो डीपीपी मैं दूंगा और एक डीपीपी इसकी रहेगी जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन और एक्सट्रैक्टर आपको कैलकुलेट करना होगा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर रिएक्शन में मूविंग करेंगे ना नेक्स्ट संडे पर मतलब तो 4-5 डीपीपी हो जाएंगी तो कर लोगे मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगी नहीं मैं कर लूंगी कर लोगे ना ठीक है ठीक है ये वाले 5 सॉल्व करो फिर थोड़ा थोड़ा रिएक्शन में भी मूविंग करना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्सट्रैक्टर तो फिर इसके आगे आप डीपीपी में कैलकुलेट करके लाना आज वैसे कंटिन्यूअस पढ़ाई की ब्रेक नहीं लिया हम लोगों ने वेरी गुड तो ये तुम श्रेयस को भी बताना कि कंटिन्यू पढ़ाई किया करे वो तो मुझे वैसे भी क्रिटिसाइज करेगा अब तो होमवर्क भी मिल रहा है बहुत सारा इसमें किस पे कैलकुलेट करना है वो तो आपने बताया नहीं आपका मतलब एक्स फैक्टर सबका निकालना है हर एक एलिमेंट का मतलब ये रिएक्शंस में क्या करना है एक्स फैक्टर कैलकुलेशन करना है ना चलो करते जाते हैं ना जैसे पहले HNO3 का बताओ कितना है अच्छा रुको
राइट सो स्टार्ट डूइंग इट ना वन बाय वन शुरू करते हैं एच ओ नो कितना है और फिर नेक्स्ट उस पे आगे बढ़ते हैं तो सब पे ही हो जाएगा ठीक है तो कितने रिप्लेसेबल आयंस हैं और HNO3 रिप्लेसेबल H प्लस आयंस तो एक है एक वन गलत है मुझे नहीं पता हाँ अरे सब नहीं रुक जाओ हाँ करो H2S का H2O हो गया और NS बाहर आ गया और HNO3 में H ये बैलेंस ही नहीं है पहली बात तो नहीं बैलेंस नहीं नहीं बैलेंस है क्या करती रहती है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग की जरूरत है क्या नहीं जरूरत होती हाँ तो फिर आराम से करो ना शांति से अच्छा अरे भाई सबसे पहले ये डिटेक्ट करना होता है कि रिएक्शन रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स है तो नॉन रेडॉक्स है अगर नॉन रेडॉक्स है तो उसमें H+ के हिसाब से कैसे दूंगी आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करोगी नहीं रेडॉक्स होगा तब करेंगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हां तो ये रेडॉक्स ही है मुझे तो दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो अपने आप दिख जाएगा हां ठीक है HNO3 के लिए x फैक्टर तो यहाँ पे प्लस 5 था यहाँ पे प्लस हो गया n एक ही है ठीक है तो 3 हो जाएगा x इक्वल टू 3 ठीक है H2S का करो ठीक है H2S ठीक है तो यहाँ पे s एक था यहाँ पे s एक है तो 2 हो जाएगा हाँ H2S का ना हाँ 2 हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ो ठीक है H2O का हाँ H2O का तो सेम ही रहा तो जीरो हो जाएगा H2O नहीं H2O तो इसमें नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो NO का करो रेडॉक्स रिएक्शन है ना हाँ हाँ NO का करो 3 हाँ ठीक है सल्फर का और सल्फर का भी 2 हाँ ठीक है आगे बढ़ो CLO3 माइनस अब ये रेडॉक्स है कि नहीं है देखो हाँ ये रेडॉक्स है निकालो ना आंसर बताओ एक्स फैक्टर हाँ हाँ बढ़िया है CLO3 का 6 है x factor CLO3 माइनस का 6 है एक मिनट रुको चेक करने दो हाँ 6 है सही है आगे Fe2 प्लस यहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1 तो x इक्वल टू वन सॉरी ठीक है फिर H प्लस का Cl माइनस का H प्लस में कोई चेंज नहीं हो रहा Cl माइनस का हाँ Cl माइनस का 6 Fe3 प्लस का
वन कॉपर ऑक्साइड देख रही हूँ एक सेकंड टू एक्स इक्वल टू टू ठीक है अमोनिया हाँ एल्यूमिनियम अमोनिया अमोनियम हाँ अमोनिया एक सेकंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इक्वल टू थ्री थ्री हाँ ठीक है कॉपर टू हाँ एन टू ठीक है यहाँ पे एन एक के लिए थ्री है तो दो के लिए सिक्स होगा एक्स इक्वल टू सिक्स ठीक है जिंक जिंक एक सेकंड एन का कितना होता है एन किसमें हाँ एन इसी में जेड एन में नहीं जेड मतलब जेड एन ओ थ्री ट्वाइस में जिंक नाइट्रेट एनओ थ्री माइनस आयन है ना एनओ थ्री माइनस आयन एच एन ओ थ्री में मिलता है एनओ थ्री माइनस आयन है जिंक नाइट हाँ एनओ थ्री माइनस है तो वन हो गया माइनस वन हो गया हाँ पूरी चीज को हाँ ठीक है तो x इक्वल टू वन आ गया जिंक का वन कैसे आ गया वन कैसे नहीं आया एनओ थ्री का माइनस वन है तो जिंक का प्लस टू नहीं होगा क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है नहीं एनओ थ्री का माइनस वन है ना हाँ भाई तो जेड एन एनओ थ्री होल्ड ट्वाइस लिखा तो हुआ है अच्छा NO3 होल्ड ट्वाइस है हाँ तो टू आ जाएगा आगे नेक्स्ट रिएक्शन FeS2 हाँ एक सेकंड S का कितना होता है माइनस टू हाँ S का क्या होता है माइनस टू S का माइनस टू जनरली होता है यहाँ तो माइनस टू दिखाई देने का ओ, एक सेकंड यहाँ पे एस टू है एफ का थ्री भी होता है एस टू हाँ तो एफ का टू है तो एस का माइनस टू होगा नहीं रुक जाओ एफ का प्लस टू अगर एफ का प्लस टू है तो एस का माइनस टू होगा तो एस का माइनस टू है तो एस वन हो जाएगा नहीं एस का माइनस टू है क्या नहीं अरे नहीं मुझे नहीं पता अरे भाई जैसे पर ऑक्साइड होता है वैसे पर सल्फाइड भी तो होता है ना मतलब राइट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड में आयरन की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट एफ की ऑक्सीडेशन स्टेट राइट हैंड साइड में एफ की एक सेकंड थ्री थ्री प्लस थ्री लेफ्ट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए अब तुम्हारे हिसाब से प्लस थ्री प्लस थ्री तो राइट हैंड साइड में है ना हाँ लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे पता नहीं ना अरे आयरन की टोटल तीन ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो प्लस टू और प्लस थ्री हाँ तो जीरो प्लस टू हो सकता है बट प्लस थ्री के प्लस टू को कैसे पता चलेगा लेफ्ट साइड में प्लस थ्री डाल के देख लो अपने आप पता चल जाएगा प्लस थ्री डालो और निकालो कंफर्म क्या क्या आ रहा है
नहीं पर हम प्लस थ्री डालेंगे कि प्लस टू को कैसे पता चलेगा? अरे आपको वही उसी का आंसर दे रहा हूँ, आप कोई भी एक प्लस थ्री डाल के देख लो ना पहले। हाँ तो प्लस थ्री अगर डाल देंगे तो फिर एक्स का तो एस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू, मतलब थ्री बाई हाँ माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा। हाँ माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा। अभी प्लस टू डाल के देखो। या फिर x इक्वल टू माइनस वन होगा। सीधा सीधा आ रहा है ना, जैसे परऑक्साइड होता है माइनस वन, वैसे ही परसल्फाइड भी होगा ना, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है। हाँ तो सीधा सीधा आ तो रहा है माइनस वन, तो इसका मतलब आयरन प्लस टू है। अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन है ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है, राइट साइड में सब हाँ, हाँ। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही नहीं ना, तो आयरन के ऑक्साइड में चेंज कब होगा? जब वो प्लस टू में होगा, प्लस थ्री से प्लस थ्री चेंज का होगा, और जीरो हाँ। होता है वो, तो प्लस टू नहीं है। ठीक है अभी निकालो। किसका निकालना है? पीएस टू का। हाँ इलेवन। इलेवन हाँ इलेवन हो जाएगा सही। हाँ चलो ठीक है। ओ टू का निकालो। ओ टू का एट इसका फोटो का। हाँ फोटो का नहीं, फोटो का तो कैलकुलेट ही नहीं होगा, रेडॉक्स चेंज नहीं है उसके अंदर। हाँ वही ओ थ्री और ओ टू दोनों आ रहे हैं। हाँ तो मतलब उसका होगा, मैं नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा वो रिडॉक्स रिएक्शन में नॉन रिडॉक्स चेंजेस का कैसे कैलकुलेट करता है। पहले अभी यार मेन मेन कैलकुलेट करना आप पूरा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है Fe2O3 का कितना होगा पढ़ती हूँ। टू Fe2O3 का टू होगा।
ठीक है, एसओ टू का, सल्फर डाइऑक्साइड का, हाँ फाइव होगा, सही है, ठीक है। तो ठीक है, बाकी के तो मैं डीपीपी में भेजूंगा, उसमें आप करोगे। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ले लेते हैं यार, वैसे सिक्स वाला बचा है रुको, अच्छा ये सिक्स वाला, हाँ सॉरी, तो निकालो NaOH का निकालो। एन क्या होता है सर? एन अभी भी दिखा तो थ्री ना, नहीं ओ सर, NaNO3 में एन का कितना होगा? पता नहीं, अभी अभी सॉल्व किया था तुमने। हाँ अरे NaNO3 मतलब NO3 माइनस हुआ ना, हाँ NO3 माइनस हुआ, नाइट्रेट आयन में निकाल लो ना। हाँ जीरो हो जाएगा, हाँ एक्स फैक्टर जीरो है, एक्स फैक्टर जीरो कभी नहीं होता। अच्छा NaOH में, हाँ ठीक है देखते हैं, जीरो नहीं है तो क्या है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है आज जो ऊपर हमने लिखे हैं, इसके बाद छुट्टी, ठीक है। अरे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, हाँ कर रही हूँ उसमें करके आ रही हूँ, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में तो बहुत, अच्छा नॉन रेडॉक्स है, अब देखो ना ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज थोड़ी हो रहा है कहीं पे भी, हाँ ठीक है, तो ये तो बेस है, तो ये तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो वन हो जाएगा इसका, एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, एसिड का भी वन है, सॉल्ट का भी वन है, ठीक है ओके। अब ये करना है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है उसने एक अननोन मेटल का 36, वो कह रहा है व्हाट वेट ऑफ मेटल वुड गिव 9.322 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड। अच्छा तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक मिनट रुको, एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स क्लोराइड, वेट दिया हुआ ऑफ मेटल, नहीं ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, नीचे वाला सवाल करो आप इसमें, क्योंकि दो तरह के क्लोराइड्स बन सकते हैं, ये नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन।
बार आ ठीक है Matters can be different weights of this and this. Different weight of a metal is particular. What weight of metal? That's non metal. नहीं नहीं ठीक है ऊपर वाला सही है मुझे अरे कहाँ गया यार कुछ नहीं गया हो गया हाँ? ये पता नहीं क्या हो गया अरे पड़ेगा ऑप्शन कोई बात नहीं लिख देता इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दिया हुआ है 36 व्हाट वेट इन ग्राम metal would give 9.322 gram of its chloride. सही क्वेश्चन है हो जाएगा दिमाग लगाओ कैसे होगा अच्छा हमारे पास उतना ही टाइम है जब तक मैं सेकंड क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ अच्छा मोलर वेट अपॉन एच फैक्टर व्हाट वेट इन ग्राम ऑफ मेटल विल यू इक्विवेलेंट वेट टू एच फैक्टर विल गिव 9.32 ग्राम ऑफ क्लोराइड और 9.32 ग्राम ऑफ क्लोराइड सीएल से रिएक्शन होगा इनकम्प्लीट ये था वो मैं दे देता हूँ मतलब इसमें वही होगा कंसीडर possibilities of consider both possibilities छोड़ो सीधा mention ही कर देता हूँ मैं consider divalent metal अभी हो जाएगा अच्छा चलो देखते हैं टाइम खत्म हो गया टाइम खत्म हो गया मैंने नीचे वाला कर दिया पूरा अच्छा इसको फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को ऐसे सॉल्व करेंगे कि वेटिंग ग्राम ऑफ मेटल ये जो मुझे निकालना है लेट मी अज्यूम इट एज एक्स ग्राम वेटिंग ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 36 दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल्स दिस विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड इक्विवेलेंट तो सबके बराबर ही होता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रिएक्शन में जितने होंगे उतने इक्विवेलेंट तो बनेंगे ना मेटल क्लोराइड का
क्लोराइड का इक्विवेलेंट कितने होंगे, उसका वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। उसका इक्विवेलेंट वेट अगर ये डाइवेलेंट मेटल है सपोज, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसका एक्स फैक्टर। हां एक्स फैक्टर तो 2 है। हां मेटल 0 से प्लस 2 में जाएगा ना, 0 से प्लस 2 में जाएगा। हां अभी उसका मॉलिक्यूलर वेट लेट्स से m मान लेते हैं हम, तो MCl2 अगर बनाएगा मान लो, तो यहां पे आएगा m प्लस 35.5 नहीं 71 हो जाएगा ना Cl का, MCl2 होगा तो दिस प्लस 71 और दिस डिवाइडेड बाय 2 ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। और ये जो m है ये तो मुझे पता है कि बेसिकली मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही है, जो 36 है दिस इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 2, इसका भी तो एक्सपेक्टेड 2 ही होगा। पर यहाँ से m की वैल्यू नोन है, हाँ m की वैल्यू नोन है, x की वैल्यू निकालनी है। हाँ m की वैल्यू एक सेकंड क्या थी, m की वैल्यू तो m by 2 equal to 36 तो m बराबर 72 हो गया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि वैलेंसी अगर डाइवेलेंट मेटल दिया है वो 72 होता नहीं, बट ठीक है 36 इक्विवेलेंट वेट है ना मेटल का, इक्विवेलेंट वेट में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। अभी अगर m की वैल्यू बना रहा है वो, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हुआ, इसका एक्स फैक्टर 2 हुआ। तो सीधा सीधा एक्स बाई 72 इज इक्वल टू 9.322 और डिवाइडेड बाई जो भी आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, MCl2 का यहाँ पे x factor 2 है, तो m बराबर तो 72 आ गया, तो 72 और Cl2 है तो plus 71 divided by 2 ये इसकी equivalent weight हो गया। हाँ right, तो ये कितना 143 divided by 2 हो गया, यहाँ पे लिख लो weight in gram divided by equivalent weight is 143 by 2 एक चीज पूछनी थी कि यहाँ पे जो x by 72 है वो MCl2 के लिए निकाल रहे हैं हम, x by 72 हाँ वो m के लिए है ना, मेटल के इक्विवेलेंट ये m है और ये MCl2 है, हाँ इक्विवेलेंट बराबर होंगे ना। हाँ तो x upon 36 क्या था फिर, x upon 36 क्या था, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी तो 72 नहीं आएगा ना, 36 ही आएगा, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट है ना, हाँ ठीक है समझ गए, मतलब वही 72 बाय 2 होना चाहिए ना। हाँ ओके ठीक है, हाँ 36 आएगा, समझ गए यहाँ पे भी 2 है ना, यहाँ 143 बाय 2 किया हुआ। हाँ ठीक है ओके ठीक है अभी ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको नोट कर लेना। कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 में दिमाग लगाओ, रूल्स इक्विवेलेंट वेट्स आर दिस एंड दिस, दिस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। अगले नेक्स्ट टर्म पे प्रैक्टिस होगी सारी रिएक्शंस की, इससे बहुत आसान हो जाती है चीजें, किसी को कौन कौन से एक्टिव सॉल्व करना होता तो पूरा रिएक्शन लिख के बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा रिएक्शन लिख के बैलेंस नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2
नीचे वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी तो बहुत फास्ट हो जाएंगे सारे कुछ। पूरा क्वेश्चन थोड़ी नॉइज है आपका आस पास, उसको कम करो, फोकस नहीं। हाँ दस बाय बाय सिक्सटी नाइनटी जो भी है। हाँ H2 का क्या होता है? H2 का वेट होता है, H2 का वेट क्या होगा? 1 A2 हो गया, तो 2 अपॉन N प्लस नहीं क्या होता है, 9.3 नामों को स्कूल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x = 2 हो जाएगा। बिकॉज़ ए प्लस बी प्लस एसिड है, तो फिर वो एच टू डिस्प्लेस करेगा ना, तो फिर वो टू डिस्प्लेस कर देगा, 2 + 2 ठीक है, वो एच प्लस टू ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, तो एक्स फैक्टर तो 2 आ जाएगा इसका, एक्स प्लस वाई का। हेलो, हाँ मैं यही हूँ। नहीं रुक, जहाँ पे x और y क्या है, x और y वेट है ना। हाँ हाँ, x फैक्टर इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ ठीक है, तो व्हिच इज इक्वल टू 2 मतलब 2 into समथिंग। हाँ ओके,
तो गया सॉल्व कर लो, पहले गलत में लिखा हुआ है मैंने, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। अब ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आई वो तुम ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, इतनी आसानी से नहीं समझ में। 2 2 4 0 0 5 आ गया भाई, तो राज की बात है। 22.4 यानी एनटीपी पे ना। हाँ ये है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये जो लेफ्ट साइड है तो इक्विवेलेंट्स हैं, वो तो सिंपल सी इक्वेशन है, इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। अभी मोल्स ऑफ H2 को जब उसके x फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो ये जो राइट हैंड साइड है ये इक्विवेलेंट ऑफ H2 हो जाएगी। हां नहीं बात, इक्विवेलेंट ऑफ वो इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 * 2 इक्वल टू मोल्स * n फैक्टर होता है ना। हां equivalence of hydrogen equal to moles of hydrogen into 2 hydrogen का x factor तो 2 है। हाँ ये क्या होता है, x plus से 0 में जा रहा है, 2 hydrogen है, तो अब ये side equivalent of hydrogen हो गए। हाँ अब तो जो left side है वो equivalent of A plus equivalent of B, ये लिखा हुआ है, ये EA plus B and this is equal to EH2 होगा। हाँ एक mixture में दो मेटल है ना, दोनों मिलकर जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट जोड़ के इसके बराबर आएंगे ना। हाँ राइट, तो अब x ग्राम मैंने ए लिया था और y ग्राम बी लिया था, तो x प्लस y 0.4 के बराबर भी होगा। हाँ मिक्सचर का वेट, हाँ ठीक है वो 0.4 हो गया। हाँ मिक्सचर का वेट ठीक है, ये ना ए और बी तो है मिक्सचर में, तो बस हाँ। दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, x और y आ जाए। ठीक है ओके, और स्टोइकोमेट्री की डीपीपी और इसकी एनटीपीपी, ये रिएक्शन वाली नहीं होगी, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। हाँ ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैं दूंगा आपको, तो आराम से पहले एक बार लेक्चर रिवाइज कर लेना, वो स्टोइकोमेट्री एटॉमिक का तो आप अपने हिसाब से देख लेना, और इसकी डीपीपी करने से पहले एक बार लेक्चर गो थ्रू कर लेना, लिंक मैं रात को भेज दूंगा अपलोड कर। ठीक है ओके ठीक है, चलो बाय बाय।